इतना बदनाम होने के बाद भी बोल रहा है कि मतलब सॉरी बोल दो, सब कुछ खत्म, मतलब आप लोग का टाइम वेस्ट हुआ। उसकी बहन हमको बता रही थी कि उसकी जो बीबी है वो उसका शादी पहले से एक बार हो चुका है। हेलो गाइस, कैसे सभी, होप करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। देखो 4-5 दिन तक खूब कंट्रोवर्सी चला, इसमें सबका फायदा हुआ, मतलब क्रिएटर का फायदा हुआ, हमारा भी कुछ फायदा हुआ, एंड जो कंट्रोवर्सी किया उसका तो फायदा ही फायदा है। बाकी इसमें बेवकूफ बन गए कौन, आप लोग, मतलब आप लोग का टाइम वेस्ट। भाई मैं पहले आप लोगों को बताया था कि ये सब चीजें ना बिल्कुल स्क्रिप्टेड रहता है, और मुझे देखकर ऐसा ही लगा कि ये तो पूरा स्क्रिप्टेड है दोनों तरफ से। भाई आप बताओ, अभी एक रील्स बनाया उसने और उसने क्या बोल रहा है, देखो पहले। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन से गलती हुई है, वो आए मेरे परिवार के साथ में मिलजुल करके रहे और मुझे मिला जुला करके रखे। छोटकी बहनों को बोलो कि वो आके सॉरी बोल दे और फिर फैमिली सब एक जैसे रहेंगे। मतलब क्या है भाई, इतना बदनाम करने के बाद तुम उससे बोलोगे सॉरी बोल दे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब यार कैसा बंदा है तू, बदनामी होने के बाद कुछ भी शर्म नाम की चीज नहीं बचा है तेरे में। इतना बदनाम होने के बाद भी बोल रहा है कि मतलब सॉरी बोल दे सब कुछ खत्म। मैं उससे भी बात किया, उसकी बहन से, उसकी बहन भी बोल रही है कि रहने दीजिए भैया, जो हो गया सो हो गया, मेरे को अभी सब चीजों में नहीं पढ़ना। मैं बोला ठीक है, हमें क्या पढ़ना भाई, हमें कौन सी पढ़ी है इस चीज की। मैं बोला ठीक है, तुम अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे तो बता दो। मैं बोला कि नहीं, मेरे को कुछ ये सब चीज़ के बारे में नहीं बोलना है, भाई ने जैसा किया वैसा करने दो। मैं बोला ठीक है भाई, अब तुम्हें भी अपने भाई के लिए प्यार जग रहा है तो अच्छी बात है, अब दोनों भाई बहन मिलो। तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया कि सबका मिली भगत है भाई, सब स्क्रिप्टेड था, सब एक ड्रामा था, सिर्फ व्यू पाने का, कंटेंट बनाने का। लेकिन वो बंदा इतना गिर सकता है कंटेंट पाने के लिए कि सोच नहीं सकते आप लोग। अभी एक चीज और अभी देखना, जो आपको मैं हर वीडियो में बताया हूँ कि वो क्या है, पता है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं शादी के बारे में कि भाई क्या शादी है, उसका शादी का क्या सच्चाई है, जो उसकी बीबी है उसकी क्या सच्चाई है। उसकी बीबी को मैं तब से जानता हूँ जब से हम साथ रहते थे, मतलब आई थिंक हो गया 3 साल करीब हो गया, तब से उसकी गर्लफ्रेंड थी, बात होती थी, बड़ा पॉजिटिव गर्लफ्रेंड है भाई, मतलब पता नहीं कैसे रह रहा है। आजकल वैसी लड़की मिले तो रहना मुश्किल है, तो देख रहे हो है ना, दोनों तो सेम ही सेम है। बट उसकी बिहेवियर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी बहन हमको बता रही थी कि उसकी जो बीबी है वो उसका शादी पहले से एक बार हो चुका था और वो अपने पति को छोड़ के इससे शादी किया। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि उसकी बीबी के बारे में बताओ, उसकी बीबी के बारे में क्या भाई, आप लोग तो खुद ही जानते हो भाई सारा चीज। उसकी बीबी की ऑलरेडी शादी हो रखी है और पता नहीं क्या क्या चीज है भाई, बोलने में भी खराब लगता है उसके बारे में, किसी भी लड़की के बारे में बोलने में भी खराब लगता है। तो बस इतना ही जानो कि ठीक ठाक हमको नहीं लगा सब चीजें, हमको क्या उसकी घर वालों को नहीं लगा। जितना भी वीडियो जो मैं दिखा ना, वो खुद उसकी बहन बताई थी कि वो सारा चीज जबरदस्ती किया हुआ था, जो चेहरे पास ही देख रहे हैं ना, सारा जबरदस्ती था, किसी को शादी में कोई खुशी नहीं था, उसके घर वाले मना करते थे। बट वो बंदा कंटेंट के लिए तो पता ही है क्या क्या नहीं कर सकता है, तो वही कंटेंट के लिए सारा कुछ किया। और एक और बताए थे कि चलो इसका भाई बहन का तो लफड़ा समाप्त हो गया, भाई बहन कुछ दिन के बाद देखोगे तो मिल जाएंगे, और बेवकूफ़ तो हम लोग बन गए भाई देखने वाले कि यार क्या है, मतलब इतना अच्छा सोच रहे थे कि लड़ाई होगा दोनों में और चलेगा, लेकिन यहीं तक खत्म हो गया, तो बेवकूफ हम लोग बन गए। चलो कोई नहीं गाय जी, आगे सब लोग ख्याल रखना कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो भाई, जो कंट्रोवर्सी करता है ना उसका बेनिफिट होता है, आप लोग क्या हम लोग क्या बस देख के मजा लेके छोड़ देते हैं। तो ऑल ओवर यही बोलना चाहूंगा कि सारा स्क्रिप्टेड था, और अब तो भाई उसने नया जिंदगी शुरुआत कर लिया, उसकी मम्मी पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और हाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं ना भाई, फुल ड्रामेबाज हैं, मतलब एक्टर्स तो भरे पड़े हैं, एक पल में हंस रहे हैं एक पल में रो देंगे, मतलब क्या है भाई, मतलब कुछ भी है कुछ भी। और हाँ बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं कि भाई तुम तो बहती गंगा में हाथ धो लिए हो, तुम क्यों वो दोनों को लफड़ा में पढ़ रहे हो। मुझे पढ़ना नहीं है भाई सब चीज़ों के बारे में, बट बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और लोग जानना चाह रहे थे कि हम दोस्त हैं तो ऐसा क्या हुआ भाई जो तुम अलग हो गए, तो ये चीज़ लोग जानना चाह रहे थे। तो बस मैं यही चीज़ क्लियर किया कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, उसने मेरे साथ क्या किया, तो बस यही चीज़ क्लियर किया, इसी को लेकर मैं एपिसोड बाई एपिसोड बना दिया। भाई देखो हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा बेनिफिट हो, अगर थोड़ा बेनिफिट हुआ थोड़ा और बेनिफिट हो, थोड़ा सा हुआ थोड़ा और बेनिफिट हो, तो इसी के चक्कर में मैं 4 एपिसोड डाल दिया। बाकी सब लोगों का प्यार भी बहुत मिला, एंड उसने मेरा 5,000 रखा है, यहाँ से निकाल लिया भाई तो ये ट्रिक काम किया। बाकी आप लोग का भी किसी के पास पैसा बाकी हो ना, तो ऐसा ही ट्रिक आजमाना, कंट्रोवर्सी करना और मस्त
निकल जाएगा भाई, ये रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी मेरे तरफ से भी इस कंट्रोवर्सी का ये लास्ट एपिसोड रहा, आगे से मत बोलना भाई कोई भी कि पार्ट फोर या पार्ट फाइव बनाओ। भाई कमेंट में देखो यार, पार्ट फोर, पार्ट टू, पार्ट थ्री, मतलब पार्ट वन डाला तो पार्ट टू डालो, पार्ट टू डाला तो पार्ट थ्री डालो, पार्ट थ्री डाला तो पार्ट फोर डालो। मतलब आप लोग दोनों, आप लोग बोलते हो, एक तो बोलते हो भाई सामने वाला के व्यूज उठा रहा है, दूसरा बोलता है कि पार्ट फोर डालो। भाई आज के बाद आप लोग कमेंट मत करना ऐसा कि इसके अगला एपिसोड बना, बस ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। हमने भी वेब सीरीज बना दिया एंड आप लोगों ने भी फुल मजा ले लिया। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। भाई मैं अपनी फैमिली के साथ व्लॉग बनाने में मस्त हूँ, मस्त मजा आता है, भले ही जितना व्यू आ रहा है उतने व्यू में मैं खुश हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि व्यू के लिए मैं अपनी फैमिली बदनाम कर दूँ, अपनी बहन को बदनाम कर दूँ, नहीं यार, हाँ जोड़ता हूँ चीजों से। मेरे को व्यू नहीं आया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी फैमिली को इज्जत बहुत बड़ी है मेरे लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर क्रिएटर हो तो भाई इस बुद्धू को जैसा आप लोग कभी मत करना, इससे तो काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते होंगे। क्या इंस्पायर होकर सीखेंगे भाई, अपनी बहन बदनाम करना, तो आप लोग ये सब चीज़ मत करना। एंड बस फैमिली व्लॉग बनाओ, जो भी व्लॉग बनाओ मस्त बनाओ, इज्जत से बनाओ, इज्जत की दो रोटी खाओ, संतुष्ट रहो। पता नहीं वो भाई इतना बदनामी के साथ कैसे जी ले रहा है और खुशी खुशी कैसे रह रहा है, यही तो उसको समझ नहीं आ रहा। बाकी गाइस आज के लिए यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। I'm not a man, 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 I'm not a man